بسم الله الرحمن الرحيم. आप लोगों को मैं जिस चीज का आज काम करवाऊंगा वो हलिया मुबारक का आप लोगों से लिखवाना है। इंशाल्लाह सूरह कदर तो आप लोग लिख ही रहे हैं, हलिया मुबारक का आप शुरू करेंगे और उसको इंशाल्लाह हमने तरतीब देना है, उसको फाइनल करना है। हलिया मुबारक का जो है वो हदीस मुबारक है जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के औसाफ उनका हुलिया बताया गया है। हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु से वो रिवायत मजकूर है और बहुत सी सारी रिवायात हैं जो इस सिलसिले में सहाबाए किराम से रिवायत हैं। तो उसमें जो जामे तिरमिजी की रिवायत है वो हजरत अली करम अल्लाह वजहू की है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लम यकुन बिलतवील अलमुमगती वला बिलकसीर अलमुतरद्दी, कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ना ज्यादा लंबे थे ना ज्यादा छोटे कद के थे, दरमियाने कद के थे, ना उनके बाल ज्यादा घुंघराले थे ना बिल्कुल सीधे थे, हल्के घुंघराले बाल थे उनके। तो इस किस्म की जो हदीस है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा कैसा था, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाल कैसे थे, उनकी आंखें कैसी थी, ये सारी चीजें जिस हदीस में मजकूर है, जैसे कि ये है वो हदीस, قال لم يكن عن علي بن أبي طالب كرم الله وجهه ورضي الله تعالى عنه كان إذا وصف النبي صلى الله عليه وسلم, जब वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के औसाफ बयान करते हैं तो फरमाते कि लम यकुन बिलतवील अलमुमगत। तो ये पूरी हदीस, ये सारे अल्फाज उनके, ये मैं आपको भेजूंगा, यहाँ तक है, लम अरा कबलहु अला बादहु मिसलहु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो ये वो हदीस मुबारक है, इसको आपने लिखना है खत दीवानी में। और इसका एक खास पैटर्न होता है, इसका खास पैटर्न होता है जिसके तहत ये लिखी जाती है। वैसे तो ये सुलुस और नस्ख में लिखी जाती है, मैं अगर आपको दिखाऊं तो किस पैटर्न में लिखी जाती है, लेकिन आपको वो दीवानी में लिखनी है इंशाल्लाह। ये मैं आप लोगों को बस समझेंगे काम दे रहा हूँ, अब आपको इस पे काम करना है। वो एक पैटर्न होता है, पहले बिस्मिल्लाह लिखते हैं, ऊपर ये दायरा बनाते हैं, उस दायरे के इर्द गिर्द सहाबाए खलफाए राशिदीन रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमाइन, उनके नाम आते हैं, अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु, उमर रज़ी अल्लाह अन्हु, उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु, अली रज़ी अल्लाह अन्हु। फिर ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 लाइनों में हदीस का कुछ हिस्सा होता है, बाकी 4 लाइनों में हदीस का बकिया हिस्सा होता है, और बीच में उमर सल्लल्लाहु। वैसे तो ये सुलुस और नस्म में लिखी गई है, तो चूंकि आपको पता है कि खतूत के जोड़े हैं यानी उनके पैर बने हुए हैं, जैसे सुलुस और नस्ख, दीवानी, दीवानी जली, रुका और दीवानी, तो इस तरह से मुख्तलिफ खतूत में ये अच्छा लगता है। तो खैर, आपने ये करना है कि दीवानी को बड़ा करके लिखना है, दीवानी में ये बिस्मिल्लाह को, उमर सल्लल्लाहु को दीवानी में ही लिखें, लेकिन इसको बड़े कलम से लिखें और इसको छोटे कलम से लिखें। ये पैटर्न तैयार करें, इसके कुछ नमूने मैं आपको भेज दूंगा, इसकी जो मजमून है वो भी आपको भेज दूंगा, और फिर उसके मुताबिक आपने आगे मश करके इसको लिखे, इसको लिख के लाना है। अभी सिर्फ आप कंपोजिशन बनाएं, यानी आप सिर्फ अल्फाज को दीवानी में लिखें, और बाकी इसकी जो शक्ल और शेप पे है वो इंशाल्लाह हम आइंदा क्लासों में काम करेंगे। अभी पहले पहल तो आपने ये करना है, जैसे एक दिन बाद आपके पास है तो आपने इसका सिर्फ और सिर्फ इसको दीवानी में कन्वर्ट करके लाना है। पहले आपकी इमला की गलतियां दुरुस्त होंगी,
और उसके बाद फिर हम इंशाल्लाह इस पे बात करेंगे, ठीक है? ये एक आपका काम है, थोड़े से मुश्किल जोड़ तोड़ हैं, लेकिन इसमें इंशाल्लाह आपको बहुत मज़ा आएगा और एक अच्छी चीज़ आपको उसे तैयार होगी। जैसे ये है उमर सल्ला का है, ये तो आपने लिखा ना, अबू बकर, उमर, उस्मान, आदि, इसका मजमून मैं इंशाल्लाह आपसे शेयर करता हूँ। फिर जो चीज़ वो पूछनी है आप उसमें ग्रुप में पूछिएगा। बाकी आज की क्लास में क्या होना चाहिए इसके अलावा? ये जो रब्बी यस्सर वाली जो तो आ है ना, उसको भी आप दीवानी में लिखें। मैं आपको लिख के दिखा देता हूँ। आपका काम हलिया मुबारका का है, इसमें हम जरा आज की क्लास में ये लिख के जरा इसके ऑप्शंस वगैरह देखते हैं। हम पोजीशन में अगर कोई नई बात आती है तो उसका जिक्र करते हैं।
अलैहि तुकलान, तवक्कुल, तवक्कुल के लफ्ज है तुकलान। ومنه العناية والرشاد، ये सीन अलिफ और ये क्या है? क्या कौन सा हर्फ है ये बताइए। मैं सरीबा उमेर बताइए ये कौन सा लफ्ज है? शायद बिल्कुल। वैसे एक दफा लिखा है ना हमने। इसको अगर हम मुकाहर पे लिखेंगे ना तो और इसमें बारीकियां हमें नजर आएंगी। एक मिनट।
जी जी इंशाल्लाह मैं आपको भेजूंगा। इस पे देखें, कलम जरा जम के चलता है और फिर जो छोटी छोटी मिस्टेक्स होंगे ना, हम उनको रिमूव करेंगे इंशाल्लाह, टचिंग फिनिशिंग भी करेंगे। जी कैनवास पे भी कलम चल जाता है। कैनवास पे कलम चलाने के लिए जरा हमें कोटिंग अलग सी करनी पड़ती है। जब हम कैनवास खरीदते हैं तो उसके ऊपर जैसो लगा हुआ होता है ना, प्राइमर, तो हम क्या करेंगे, अगर लगा हुआ है तो उसके ऊपर सैंड पेपर रगड़ देंगे, और अगर उसके ऊपर जैसो नहीं लगा हुआ तो हम जैसो यानी वो प्राइमर लगाएंगे और फिर उस पर सैंड पेपर रगड़ देंगे, और सूखने के बाद सैंड पेपर रख के फिर हम जर्मन ग्लू का कोट करेंगे, और जर्मन ग्लू में पानी मिला के ना उसका कोट करेंगे थोड़ा पतला करके। ये दो कोट हो गए, एक जैसो का और एक ग्लू का। ग्लू के बाद फिर सैंड पेपर रगड़ना है आपने। सैंड पेपर रगड़ा, फिर जैसो का कोट किया, फिर सैंड पेपर, फिर ग्लू, फिर सैंड पेपर, फिर जैसो, फिर सैंड पेपर, फिर ग्लू, तो 6 कोट हो गए, 2 3 जैसो के और 3 ग्लू के। हर कोट के बाद आपने सैंड पेपर रगड़ा, जो रेख माल होता है, और उसमें ये होगा कि आखिरी जो कोट होगा ना, छठा, उसमें आप सैंड पेपर ना रगड़ें ग्लू के बाद, बल्कि उसके बाद एक्रेलिक की जो आपने बेस लगानी है ना, जो कलर लगाना है बैकग्राउंड पे, वो लगा दें, और उसके ऊपर फिर कलम से लिखें तो बिल्कुल कागज की तरह चलेगा वो कलम, कागज, कैनवस कागज की तरह रिजल्ट देगा इंशाल्लाह। तो थोड़े से उसके जो ग्रेन्स हैं, उसके जो दाने हैं, उसका जो खला है वो पुर करना पड़ता है, उसकी सरफेस स्मूथ करनी पड़ती है, उसके बाद आप फिर इजीली उस पर कलम चला सकते हैं। वैसे भी चला सकते हैं 2 4 कोट के बाद भी, 2 कोट के बाद भी, लेकिन वो रिजल्ट नहीं आता जो ज्यादा कोटिंग के बाद आता है। लेकिन कैनवास कलम के लिए नहीं बना है, हकीकत बात जो है ना, कलम पेपर के लिए बना है और कैनवास के लिए ब्रश है। और ये भी बता दूं कि खत्ताती भी कैनवास के लिए नहीं है, खत्ताती कलम पे, कागज पे ही अच्छी लगती है। मीडियम ये है कि हम थोड़ा सा देर पा हो जाता है, थोड़ा सा उसकी जिंदगी बढ़ जाती है, लेकिन यह कि कागज की बात अलग है। कागज को भी फिर आप बेहतर से बेहतर बना सकते हैं, हैंडमेड पेपर हो तो वो ज्यादा लंबे अरसे तक, सदियों तक चलता है, आज तक पुराने करीम हमारे महफूज हैं म्यूजियम्स में, तो वो इसी सबब है ना।
इसमें जो छोटी छोटी बारीकियां हैं उसको स्क्रैच करके बेहतर किया जा सकता है। अच्छी तरह सूखने के बाद जैसे कि यहाँ पर मोटा हो गया ना, देखें इसीलिए ये रिमूव हो जाएगा। इस तरह बैठ के आराम से सुकून से इसे फिनिश करते रहें तो ये बहुत अच्छा रिजल्ट देता है। फिर अब ये यहाँ पर पतला हो गया ना, तो इसको दोबारा से टचिंग भी कर सकते हैं इसकी। मुखार पेपर ये स्क्रैच करने के बाद भी, क्योंकि उसके ऊपर अंडे की एक तय होती है ना, तो इस वजह से खराब नहीं होता। यहाँ हमने गोल वाली वाव बना दी थी तो दूसरी वाली को हम रिमूव कर देते हैं। बहुत सब्र से तवज्जो से ये काम करना, आपके हर्फ की साख्त और बनावट खराब ना होने पाए।
कैसा लग रहा है भैया? ये ब्लैक से होता है ना फिर और अच्छा लगता है, सिंगल टोन में ज्यादा अच्छा लगता है दीवाने। इसमें जरा डबल टोन आ जाती है ना इस कलर में, ब्राउन से लिखा है मैंने, थोड़ा डार्क ब्राउन है फिर लाइट होता जा। इसको अच्छी तरह से लिख के अपने जहां बैठ के आप मश करते हैं ना वहां दीवार पे लगा दें, ताकि एक या थियानी भी रहे और बरकत भी हो। बाकी जो हिलिया मुबारका का काम दिया है वो देख लें। अब ये मैंने बराबर बराबर ऐसे ऊंचे ऊंचे किए हैं ताकि आर्टिस्टिक टचेस लेके आया हूँ। तो हिलिया मुबारक की तरकीब बना के लाइएगा और इसकी भी मशक कीजिएगा, फिर इंशाल्लाह अगली क्लास में आपसे मुलाकात होती है। कोई सवाल है आपका? सब लोग काम भेजा करें ताकि हमारी क्लास भी लंबी हो और फिर हम सबके काम की करेक्शन भी कर सकें। एक दो लोग ही शरीक होते हैं तो फिर मजा नहीं आता। चलें जी, मिलते हैं इंशाल्लाह। सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह।